This is your biology class. I'm your teacher Seema Treja. Student, in this video we are going to discuss some of the disorders related to our digestive system. When there is infection takes place in the digestive system, it may be bacterial, viral, or maybe a kind of worm enter along with food and water that can cause infection in our digestive system. It may cause inflammation of the intestinal tract. So in this video we are going to some of the disorders like jaundice, vomiting, diarrhea, constipation, indigestion, and one more, that is PEM, protein energy malnutrition. This is the nutritional deficiency disorder. इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट वी विल डिस्कस द जॉन्डिस. इन दिस केस लीवर इज अफेक्टेड. क्या सिम्टम्स अपीयर होते हैं जॉन्डिस के केस में? द स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द बाइल पिगमेंट. बाइल पिगमेंट्स कैसे बनते हैं? जब आरबीसी ब्रेक होती है तो हीमोग्लोबिन कन्वर्टेड इनटू बाइल पिगमेंट. बाइल पिगमेंट्स कौन से हैं? बिलिरुबिन एंड बिल्वर्डिन. दे आर एक्सपेल्ड आउट अलोंग विद द फीकल मैटर और अनडाइजेस्टेड वेस्ट. If liver is affected, then bile pigments do not expelled out or excrete out along with the fecal matter. They start depositing in our body under the skin, maybe under the eye, and gives yellow color to our body. These bile pigments, when expelled out through the feces, they gives yellow color to the feces also. But when the liver is infected and maybe there any obstruction arises in the liver, that time these bile pigments do not enter into the duodenum part and do not expelled out along with the feces and start depositing under the skin normally and gives yellow color to the body, that is yellow pigmentation. This is called jaundice. जॉन्डिस कैसे होता है? अगर लीवर में कोई इन्फेक्शन हुआ है या लीवर की कोई डक्ट, मे बी सिस्टिक डक्ट या कॉमन बाइल डक्ट, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाती है तो हम उसको ऑब्स्ट्रक्टेड जॉन्डिस कहते हैं. तो दैट टाइम जो बाइल पिगमेंट्स हैं वो फिसिस के साथ बॉडी से बाहर रिलीज नहीं होते हैं और बॉडी के अंदर ही डिपॉजिट हो जाते हैं. नॉर्मली स्किन के नीचे आईज में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं और येलो कलर प्रोवाइड करते हैं. बाइल पिगमेंट्स जब फीसिस के साथ एक्सपेल्ड आउट होते तो फीसिस को येलो कलर प्रोवाइड करते. तो फीसिस का जो येलो कलर है बिलिरुबिन और बिल्वर्डिन की वजह से होता है. फीसिस में बिल्वर्डिन एंड बिलिरुबिन ब्रोकन डाउन करके स्टर्कोबिलिन पिगमेंट में कन्वर्ट हो जाए. तो मेनली जो फीसिस का कलर रहेगा वो स्टर्कोबिलिन की वजह से रहेगा. बट लीवर के इन्फेक्शन में क्या होगा, ये बाइल पिगमेंट्स एक्सपेल्ड आउट नहीं होंगे, बॉडी में डिपॉजिट होंगे, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं. These are the symptoms, that is yellowing of skin, nails becomes yellow, क्योंकि skin के नीचे जो है ये pigment deposit होते चले जाते हैं. Next disorder we are discussing here, that is vomiting. वॉमिटिंग क्या है? इट इज द इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स थ्रू द माउथ. नॉर्मली दो ओपनिंग है, एक माउथ और एक एनस. जो एनस के थ्रू पास आउट होता है वो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, जिनको हम फीसिस बोलते हैं. बट समटाइम जब बॉडी में इनडाइजेशन रहता है, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता, इट मे बी एनी रीजन, दैट टाइम क्या होगा, जो फूड कंटेंट्स हैं सम टाइम एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से जो फूड मटेरियल है, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल स्टमक से बाहर
माउथ के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सपेल्ड आउट होते हैं तो हम उसको वॉमिटिंग बोलते हैं। हमारे मेडुला जो कि ब्रेन का पार्ट है वहाँ पर वॉमिट सेंटर प्रेजेंट होता है जो कि वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है। तो समटाइम्स क्या होता है जो कंटेंट्स हैं वो माउथ के थ्रू स्टमक में प्रेजेंट कंटेंट्स स्टमक से इजेक्ट आउट हो जाते हैं और माउथ के थ्रू बाहर रिलीज होते हैं। मे बी सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन और इनडाइजेशन टेक्स प्लेस, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पा रहा, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से वर्क नहीं कर रहा है तो हम उसको वॉमिटिंग बोलते हैं। इसमें जो फीलिंग होती है या सिम्टम्स वॉमिटिंग में अपीयर होते हैं नॉजिया लाइक फीलिंग होंगे और वॉमिटिंग में होगा क्या, दैट इज इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट्स, इजेक्शन ऑफ स्टमक कंटेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू इनडाइजेशन। नेक्स्ट डिसऑर्डर वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द डायरिया। डायरिया क्या है? That is the abnormal frequency of bowel movement and increased liquidity of the fecal discharge. This is known as the diarrhea. Diarrhea में क्या होता है? Abnormal frequency of bowel movement. नॉर्मली जो स्टूल या फीसिस पास आउट होती है वन और टू टाइम्स इन अ डे, बट इन्फेक्शन के टाइम पर, डायरिया के टाइम पर क्या होगा, बार बार जो है बोवल मूवमेंट्स होंगे और फीसिस बॉडी से बाहर रिलीज आउट होंगी और फीसिस सॉलिड होने की बजाय उनमें लॉट्स ऑफ वाटर प्रेजेंट रहेगा, वो लूज रहेंगी तो इसको हम डायरिया बोलते हैं। तो इसमें बोवेल मूवमेंट की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा हो जाती है और जो फीकल डिस्चार्ज होता है वो विद लॉट्स ऑफ वाटर होता है तो उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है जिसको हम लूज मोशंस बोलते हैं। डायरिया के केस में जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है वो फास्ट होंगे, फूड प्रॉपर डाइजेस्टेड नहीं होगा और बॉडी से बाहर बार बार रिलीज होगा, कॉलन भी ठीक से वर्क नहीं करता है, वाटर एब्जॉर्प्शन उतना नहीं हो पाता है और फीसिस जो है लिक्विड कंडीशन में बॉडी से बाहर रिलीज आउट होते हैं, इसको हम डायरिया बोलते हैं। दी ऑल दीज डिसऑर्डर लाइक वॉमिटिंग एंड डायरिया जो है इनडाइजेशन की वजह से कॉज होते हैं। नेक्स्ट डिसऑर्डर हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द इनडाइजेशन। इनडाइजेशन अभी हमने डिस्कस ही किया है, दैट इज द कभी कभी हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या लैक ऑफ स्लीप, हमारी नींद पूरी नहीं हुई है या हमने स्पाइसी फूड खाया है या हमें किसी तरह का एनेक्जिटी या स्ट्रेस है, या बॉडी के अंदर प्रॉपर एंजाइम नहीं बन रहे, इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ एंजाइम, तो कुछ भी कॉज हो सकता है। इन कॉजेज की वजह से इनडाइजेशन होता है, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से वर्क नहीं करता, प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो पाता। जब प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा तो मे बी डायरिया कॉज करेगा और मे बी वॉमिटिंग होगी। डायरिया एनस के थ्रू एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉवल मूवमेंट को शो करेगा और वॉमिटिंग में स्टमक से बाहर जो कंटेंट्स हैं वो इजेक्ट आउट हो जाएंगे। वॉमिटिंग एंड डायरिया आर ड्यू टू इनडाइजेशन ऑफ फूड मटीरियल, जब फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं
होता है, फुलनेस की फीलिंग आती है, इसमें भूख भी प्रॉपर नहीं लगती है. दिस इज नोन एज द इंडाइजेशन. वन मोर डिसऑर्डर वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर इज द कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन में क्या है, द फीसिस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम एज द बोवल मूवमेंट्स अकर इरेगुलरली. लार्ज टाइम तक जो फीसिस है वो रेक्टम में रह जाती है, रेक्टम से वापस कॉलन में जाती है, और कॉलन में क्या होगा, उसका फंक्शन है वाटर एब्जॉर्ब करना, तो मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द फीसिस, जिसकी वजह से जो फीसिस है काफ़ी हार्ड हो जाती है. दिस इज नोन एज द कॉन्स्टिपेशन. कॉन्स्टिपेशन नॉर्मली कॉज क्या है कॉन्स्टिपेशन का, दैट इज फीसिस आर रिटेन्ड विद इन द रेक्टम फॉर अ लॉन्ग टाइम. Within the rectum for a long time, जिसकी वजह से water absorption increase हो जाती है और जो feces है वो hard हो जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, constipation बोलते हैं. एक और malnutrition हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, मेल न्यूट्रिशन जिसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी को नहीं मिलता है. इसमें हम एक न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, दैट इज नोन एज द PEM. क्या फुल फॉर्म है PEM की, दैट इज प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन. प्रोटीन बॉडी का स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व होता है, पूरी बॉडी में ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट रहती है. प्रोटीन एंजाइम्स की फॉर्म में यूज होता है, हार्मोन्स की फॉर्म में यूज होता है, ब्लड प्रोटीन एल्बुमिन होती है जो वाटर को एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करती है. इसके साथ एनर्जी फूड कार्बोहाइड्रेट एंड फैट हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन नॉर्मली ये तीनों सब्सटेंसेस से जुड़ा है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी, फैट की डेफिशिएंसी एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट की डेफिशिएंसी. तो इसमें हम दो डिसऑर्डर्स यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, पहला क्वाशॉरकॉर एंड नेक्स्ट वन इज द मरास्मस. क्वाशरकॉर नॉर्मली 1 to 3 years एज ग्रुप वाले बच्चों को होगा, 1 to 3 years एज ग्रुप वाले जो स्टूडेंट हैं या बच्चे हैं उनको ये क्वाशरकॉर डिजीज कॉज होती है, जबकि मरास्मस 1 birth से लेकर 1 year तक के जो इन्फेंट्स होते हैं उनके केस में मरास्मस डिजीज को ऑब्जर्व करते हैं. क्वाशॉर्कर के केस में प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से है, मेनली इट इज ड्यू टू प्रोटीन डेफिशिएंसी. तो प्रोटीन अगर बॉडी में नहीं मिल रहा है तो पूरी बॉडी जो है थिन आउट हो जाती है. इसमें फेस में ओडीमा कॉज होता है, स्वेलिंग इन ओडीमा ऑन फेस, लेग्स एंड बैली. बैली बिल्कुल बाहर की तरह बल्ज आउट हो जाती है, दैट इज नोन एज द प्रोट्रूडिंग बैली. वी कॉल्ड इट एज प्रोट्रूडिंग बैली, बाहर की तरफ निकली हुई होती है. बॉडी के पूरी जो बॉडी ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल थिन आउट हो जाते हैं, फेस पर स्वेलिंग रहती है, लेग्स में स्वेलिंग रहती है और बेली प्रोट्रूडिंग हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन डेफिशिएंसी है
एल्बुमिन प्रोटीन नहीं बनती जो वाटर को स्टोर करने का रोल प्ले करती है, तो बॉडी के अंदर वाटर की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से ऑडिमा ऑन फेस, लेग्स एंड बेली ये शो होगा. तो दिस इज द डिसऑर्डर क्वाशॉर्कर जो कि मेनली प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है. मरास्मस बर्थ से लेकर 1 ईयर के इन्फेंट्स में होता है. इसमें ग्रोथ स्टंटेड होती है, ग्रोथ रिड्यूस करेगी. इसमें कार्बोहाइड्रेट एंड फैट की डेफिशिएंसी रहती है, तो बॉडी में जो फैट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, कहीं भी फैट डिपॉजिट नहीं रहता, टोटली कंज्यूम हो जाता है, तो बॉडी बिल्कुल थिन आउट हो जाती है. इस केस में हमें जो रिब्स होती हैं वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाती हैं एंड वी कैन ईजिली काउंट द रिब्स ऑफ मरास्मस इन्फेंट. मरास्मस जिस इन्फेंट को हुआ है उसकी हम रिब्स को भी काउंट कर सकते हैं. तो स्किन के नीचे बिल्कुल भी फैट डिपॉजिट नहीं होगा, नो सबक्यूटेनियस फैट, बॉडी इज थिन आउट एंड रिब्स आर बल्जिंग आउट, रिब्स आर एक्सपोज्ड. वी कैन ईजली काउंट द रिब्स इन दैट केस. तो दीज आर द डिसऑर्डर्स. नॉर्मली ये डिसऑर्डर्स क्यों कॉज होते हैं, जब जो मदर होती है एक के बाद एक चाइल्ड बर्थ उनमें होती चली जाती है. पहले चाइल्ड को करीब 5 और 7 ईयर्स तक का नरिशमेंट मदर की बॉडी से चाहिए होता है, बट अगर 1 ईयर में सेकेंड प्रेगनेंसी कॉज हुई है तो नरिशमेंट डेवलपिंग फीटस को मदर की बॉडी से पास ऑन होता है और फर्स्ट बेबी को ये प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता. तो ये मेल न्यूट्रिशन डिजीज जो है इन्फेंट के केस में कॉज होती है. दिस इज ऑल अबाउट इन दिस वीडियो. इसके साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है. थैंक यू सो मच.